हरियाणा से मुजफ्फरपुर लाई जा रही शराब की खेप बरामद, चार धंधेबाज गिरफ्तार। हरियाणा और हथौड़ी के चार शराब धंधेबाज अहियापुर से गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से असफल नजर आ रही है। दूसरे राज्यों से शराब की बड़ी बड़ी खेप बिहार में भेजी जा रही है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां शेखपुर ढाबा में दो रमजानी कार में भारी मात्रा में शराब के साथ चार धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें तीन तस्कर हरियाणा और हथौड़ी थाना क्षेत्र के निवासी है। डीएसपी ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत से इनोवा और सेंट्रो कार से तस्कर शेखपुर ढाबा पहुंचे थे। सुनचान जगह पर दोनों कार को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान शराब के खेप के साथ दोनों लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया गया है। कल अहियापुर थाना क्षेत्र में शेखपुर ढाबा है, वहीं से दो लग्जरी गाड़ी पकड़ी गई थी और उसमें 400 कुछ लीटर करीब विदेशी शराब जो कि हरियाणा रहने में था पकड़ा गया। उसमें तीन व्यक्ति हरियाणा के रहने वाले और एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर स्थानीय हथौड़ी थाना के रहने वाले पकड़ाए हैं। उन्होंने पूछताछ किया तो बताया कि यहीं पर शेखपुर ढाब में कोई राजा राय करके उन्हीं के यहाँ सप्लाई देना था, उनका भी खोज किया जा रहा है, अभी वो वर्तमान में नहीं मिले हैं। इस संबंध में दोनों लग्जरी वाहन को जब्त किया गया है और जो जब्त शराब है उन्हें जब्त की उसको भी जब्त किया गया है और चारों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, प्राथमिकी अंकित की गई है और उन सब और इसमें शामिल जो लोग भी हैं उनका खोज किया जा रहा है। हरियाणा से मुजफ्फरपुर लाई जा रही शराब की खेप बरामद, चार धंधेबाज गिरफ्तार। हरियाणा और हथौड़ी के चार शराब धंधेबाज अहियापुर से गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से असफल नजर आ रही है। दूसरे राज्यों से शराब की बड़ी बड़ी खेप बिहार में भेजी जा रही है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां शेखपुर ढाबा में दो रमजानी कार में भारी मात्रा में शराब के साथ चार धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें तीन तस्कर हरियाणा और हथौड़ी थाना क्षेत्र के निवासी है। डीएसपी ने बताया कि हरियाणा के सोनीपत से इनोवा और सेंट्रो कार से तस्कर शेखपुर ढाबा पहुंचे थे। सुनचान जगह पर दोनों कार को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान शराब के खेप के साथ दोनों लग्जरी कार को भी जब्त कर लिया गया है। कल अहियापुर थाना क्षेत्र में शेखपुर ढाबा है, वहीं से दो लग्जरी गाड़ी पकड़ी गई थी और उसमें 400 कुछ लीटर करीब विदेशी शराब जो कि हरियाणा रहने में था पकड़ा गया। उसमें तीन व्यक्ति हरियाणा के रहने वाले और एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर स्थानीय हथौड़ी थाना के रहने वाले पकड़ाए हैं। उन्होंने पूछताछ किया तो बताया कि यहीं पर शेखपुर ढाब में कोई राजा राय करके उन्हीं के यहाँ सप्लाई देना था, उनका भी खोज किया जा रहा है, अभी वो वर्तमान में नहीं मिले हैं। इस संबंध में दोनों लग्जरी वाहन को जब्त किया गया है और जो जब्त शराब है उन्हें जब्त की उसको भी जब्त किया गया है और चारों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, प्राथमिकी अंकित की गई है और उन सब और नफीसा हज व उमरा टूरिस्ट गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हज व उमरा खिदमत में सरगर्म, अभी लेकर आया है आप लोगों के लिए खास ऑफर। ग्रुप डिपार्चर 5 से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 10 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,30,000 रूपए 20 दिन। स्पेशल रमजान ऑफर 6 मार्च से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 23 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली, कुल खर्च 1,60,000 रूपए 35 दिनों के लिए। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, होटल, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाई बस, ज़ियारत, जमसम, लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, दो पासपोर्ट साइज फोटोज, पैन कार्ड। एड्रेस बाजार समिति सिवधारा दरभंगा 846004। हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530 9939797586।